हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिट क्लासेस। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्या एक्सपेंडिचर मेथड। तो मैंने एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में बताया था और उससे नेशनल इनकम कैसे फाइंड करते वो भी बताया था। तो आज हम क्या करेंगे, एक सम लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे और समझेंगे एक्सपेंडिचर से हम नेशनल इनकम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला हम सम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो सबसे पहला हमको कैलकुलेट करने का क्या बोला है, कैलकुलेट क्या करने का बोला है, NNPFC, क्या NNPFC कैलकुलेट करने का बोला है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमको कौन सी मेथड यूज करनी है। तो आपको क्वेश्चन में बोला ना हुआ अगर, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला नहीं है, क्या सिर्फ इतना बोला है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करो, बट आपको कोई मेथड तो बता ही नहीं। तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कौन सी मेथड है, तो आप क्या करोगे, सिंपली क्वेश्चन रीड करोगे। तो क्वेश्चन रीड कर रहा हूं तो क्या है, गवर्नमेंट फंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डेप्रिसिएशन, नेट एक्सपोर्ट एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये दिया हुआ है, तो सिंपल ये दिया हुआ है, मतलब क्या एक्सपेंडिचर मेथड। अब मैंने आपको दो ही मेथड पढ़ाई है, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। अभी प्रोडक्ट मेथड हमारी बाकी है। तो इससे पढ़ के क्या पता चल रहा है, क्वेश्चन कि हम इसमें एक्सपेंडिचर मेथड यूज करेंगे, इनकम मेथड का कोई वैल्यूज दी नहीं हुई है। तो सिंपली एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला देखेंगे। तो क्या एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला, GDP MP, सही है, GDP MP मिलता है एक्सपेंडिचर मेथड से। अब नॉर्मली मैंने आपको बताया था GDP MP कैसे मिलता है एक्सपेंडिचर मेथड में, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और क्या लास्ट में नेट एक्सपोर्ट। इन सबको मिला के क्या मिलता है आपको, GDP MP मिलता है। तो ये आपको GDP MP मिलेगा। तो GDP MP से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, NNPFC, मतलब नेशनल इनकम। तो वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया है। तो क्या चाहिए हमको, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, NDCF दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो सिंपली यहाँ पे आपको NDCF दिया हुआ है, तो आपको चाहिए क्या क्वेश्चन में, GDCF चाहिए। तो आप सिंपली क्या करोगे, इसमें से डेप्रिसिएशन को क्या करोगे, माइनस कर दोगे, क्या सिंपली इसमें डेप्रिसिएशन को क्या करोगे, प्लस करोगे। तो इसमें सिंपली डेप्रिसिएशन प्लस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, GDCF, सही है, तो GDCF मिल जाएगा। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो क्या क्या दिया हुआ है हमको, पहला चाहिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बाद में GDCF और फिर क्या चाहिए, नेट एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे हमको दिया ही हुआ है, तो वन बाय वन मैं लिख रहा हूँ, क्या है फॉर्मूला क्रिएट कर रहा हूँ। क्या है, सबसे पहला गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस, ये आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो ऐसा पहला फॉर्मूला, ऐसे जैसे फॉर्मूला बना रहा हूँ आपको वैसा फॉर्मूला बनाना है फिर सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरे 6 मार्क्स में आता है। फिर क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर क्या हमको ऐड करना है, GDCF। तो यहाँ पे हमको GDCF डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, NDCF प्लस डेप्रिसिएशन। और एक बात, अगर आपको डेप्रिसिएशन इक्वेशन में ना दिया हो तो आप क्या करोगे, सिंपली NDCF ही लिख दोगे, तो आपको वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, NDP MP, ये डायरेक्ट आपको वैल्यू मिलेगी। अगर आपको डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तब आप ऐसा करोगे। तो अभी हमको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, अब फिर नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है, नेट एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है, तो नेट एक्सपोर्ट। अब देखिए कोई चीज बाकी रह रही है, नेट एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है, तो नेट एक्सपोर्ट, ये सभी चीजें हमको दी हुई है। अब नॉर्मली क्वेश्चन में क्या है, अगर आपको NDCF नहीं दिया या तो GDCF नहीं दिया तो आपको क्या करना है, चेंज इन स्टॉक प्लस GDFCF, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक को ऐड करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ऐसे भी फाइंड करते हैं, तो अब मैं सॉल्व करूंगा क्या है, सबसे पहला वैल्यू पुट करूंगा, कौन कौन सी वैल्यू है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 300, फिर बाद में प्राइवेट 600 प्लस NDCF
150, डेप्रिसिएशन 30, फिर क्या दिया हुआ है डेप्रिसिएशन के बाद में नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है 90, तो अब कितना होगा 900 150, 30 एंड 90, तो क्या होगा 14, तो कितना होगा 12, हाँ कितना हुआ 1270 करोड़, कितना 1270 करोड़, तो इसका आंसर हमारा क्या है 1270 करोड़। एक बार फिर से देख ले, कुछ गलती नहीं है ना, तो 300, 150, 30, 90 सही है, 900, 1000, 1000 तो सही है, तो क्या आएगा अब आंसर सॉल्व करेंगे। तो अब हमको क्या मिला, ये मिला जीडीपी एमपी, ये क्या मिला हमको जीडीपी एमपी, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा जीडीपी एमपी। अब हमको क्या फाइंड करना है एनएनपीएफसी, मींस क्या नेशनल इनकम फाइंड करनी है, सही है। तो इसका फॉर्मूला कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो हमको जो भी एग्रीगेट वैल्यू दी हुई है वो लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमको जाना है ग्रॉस से नेट पे, तो ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो क्या करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन। अब डोमेस्टिक टू नेशनल, तो जब भी हम डोमेस्टिक टू नेशनल जाते हैं तो क्या करते हैं एड एनएफआईए, सॉरी माइनस एनएफआईए करेंगे, डोमेस्टिक टू नेशनल जाएंगे तो एड एनएफआईए करेंगे, तो मैं करूंगा एड एनएफआईए, तो एनएफआईए कितना है बट माइनस में है। फिर क्या दिया हुआ है आपको मार्केट प्राइस टू जाना है फैक्टर कॉस्ट, तो मतलब क्या माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये हमारा सिंपल फॉर्मूला बन चुका। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, क्या है ग्रॉस 1270 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 30, फिर ये क्या है माइनस 20 एंड माइनस 90, हाँ 90 तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू है, 90 वैल्यू किसकी है नेट इनडायरेक्ट टैक्स की, मतलब हमने यहाँ पे वैल्यू गलत पुट की है। क्या वैल्यू यहाँ पे आएगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी 50, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू है 50, मैंने 90 लिया हुआ था। अब हम देखेंगे कितना आंसर आ रहा है 1130 करोड़, तो ये क्या आया जीडीपी एमपी। अब हम फाइंड आउट करेंगे क्या एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी, हमने फॉर्मूला लगाया ही था क्या माइनस डेप्रिसिएशन प्लस क्या एनएफआईए, बट ये एनएफआईए क्या है माइनस में है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, फिर क्या है माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, क्या है वैल्यू 1130 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन इज 30, डेप्रिसिएशन 30 है। अब यहाँ पे माइनस में वैल्यू है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 20 माइनस 90, तो अब कितना आएगा 30 प्लस 20 50 140 को माइनस करेंगे तो 990 करोड़। तो ये क्या मिला नेशनल इनकम। तो सिंपली क्या है आपको ऐसे ही सिंपल क्या करना है, सबसे पहला फॉर्मूला बनाना है, फिर आपको वैल्यूज पुट करनी है और डायरेक्ट आंसर लाना है, और आपको इनकम मेथड से आपने किया तो आपको एनडीपीएफसी मिला। तो एनडीपीएफसी मिलने के बाद आप क्या करोगे नेशनल इनकम फाइंड आउट कैसे करोगे, एनएनपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी, और आपको जो एडजस्टमेंट करनी है वो करोगे, और अगर एक्सपेंडिचर मेथड है तो आप क्या करोगे एनएनपीएफसी और जीडीपी क्या मिलेगा एमपी मिलेगा, तो जीडीपी एमपी फाइंड आउट किया, फिर उससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे एनएनपीएफसी। अब नेक्स्ट एक दो वीडियो में हम क्या करेंगे और एक दो क्वेश्चन करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के।